अगर आप अपने फ़ोन के रीजन को चेंज करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर चेंज करना चाहते हो एक रीजन से दूसरे पे, जैसे कि इंडिया से आपको चाइना पे जाना है, इंडिया से ग्लोबल पे जाना है, ग्लोबल या यूरोप पे जाना है, इंडोनेशिया पे जाना है या ताइवान पे जाना है, या किसी भी रीजन से किसी भी रीजन पे स्विच करना है, तो उसका क्या है प्रोसेस वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये चीज़ आप बिना बूटलोडर अनलॉक के कर सकते हो ईजिली, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन का आपको फॉलो करना पड़ेगा और हर प्रोसेस का कुछ प्रो एंड कॉन्स होता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना ताकि आपको प्रो एंड कॉन्स दोनों चल सके, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि ये जो आप प्रोसेस करने वाले हो ये करना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि आप इस प्रोसेस को फॉलो करके बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हो और अपने लाइफ को थोड़ा इजी भी बना सकते हो। तो सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, इसलिए पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना। प्रोसेस तो बिल्कुल ही सिंपल सा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा जिससे आप डिसीजन ले पाओगे यहाँ ये करना है या नहीं, वो मे भी लॉन्ग हो सकता है, इसलिए लास्ट तक वॉच करना। क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती करते हो ना, तो अपने डिवाइस को लेकर रोते फिरते रहोगे इधर से उधर और कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखना। तो ये वार्निंग है मेरी। तो पहले मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। देखो भाई, जिस भी रीजन पे आपको स्विच करना है ना, सबसे पहले उस रीजन का आपको है जो रिकवरी रोम डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक हमारा है जो EEA का है 2.0.2 और एक इंडिया का है हमारा जो कि 2.0.1 है। दो मैंने बस एग्जांपल के लिए ले रखा है। तो जो भी आप रीजन पे स्विच करना चाहते हो चाइना को छोड़ के, उस रीजन का आप रख लेना और उसे कॉपी कर लेना कम से कम दो फाइल, ताकि अगर प्रोसेस के समय कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो एक बैकअप फाइल आपके पास पड़ा हुआ रहे, बार बार डाउनलोड ना करना पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर मिस्टेक होता है और मेन फाइल डिलीट होती है, फिर से रीडाउनलोड करना पड़ जाता है। इससे बचने के लिए कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको एक प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि जेड आर्चर होगा, इसे परमिशन वगैरह दे देना और कुछ एप्लीकेशन को आप बाहर निकाल के रख लेना जो कि अभी आपके काम आने वाला है काफी ज्यादा, जैसे कि एक डाउनलोड का फोल्डर हो गया, एक जेड आर्चर हो गया, एक आपका यहाँ पे फाइल मैनेजर हो गया और एक आपका यहाँ पे सेटिंग हो गया। इतने सारे एप्लीकेशन के शॉर्टकट कर लेना और किसी भी ऐप का एक बार फ्लोटिंग विंडो ओपन करके देख लेना कि कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस वगैरह नहीं ना मांग रहा है परमिशन वगैरह, क्योंकि मेन टाइम पे ये मांग देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें चेक हो जाने के बाद अब जो भी डिवाइस है उसका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सपोर्टेड ही आपको डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास F7 है, आप किसी और रीजन का डालने हो रहे हो तो किसी और डिवाइस का रोम डाउनलोड कर लो, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी डिवाइस है उसी रीजन का डिफरेंट रोम आप यूज कर सकते हो, सपोर्टेड अदर नहीं यूज करना, ये चीज़ कंफर्म होना चाहिए। अब सिंपल, आपका जो भी डिवाइस है उसके सेटिंग पे जाना है, अबाउट पे जाना है, अपडेटर पे जाना है और हाँ, आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, चाहे वाईफाई यूज करो या मोबाइल नेटवर्क, नो मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल ट्रिपल डॉट आपको दिखाई देगा, इस ट्रिपल डॉट पे इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हो गया, मैं यहाँ पे सिंपल इसे स्टॉप कर दूंगा। और स्टॉप करने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, अपने फाइल मैनेजर पे आऊंगा, एक नया फोल्डर क्रिएट होगा जो कि डाउनलोड के अंदर होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देता है डाउनलोड रोम, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इस पे लॉन्ग प्रेस करूंगा और क्या करूंगा, मैं इसे रीनेम करूंगा। रीनेम करके मैं इसके पूरे नाम को इस तरीके से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इसे मैं डिलीट कर दूंगा। सेम चीज आपको करनी है जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आया, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन समझो फिर करो। उसके बाद डाउनलोड के फोल्डर पे आना है, यहाँ पे भी फाइल दिखाई देगी, इसे भी आपको यहाँ पे इस तरीके से डिलीट कर देना है। ओके, अब सिंपल आपको वापस से फाइल मैनेजर पे आना है और जो भी रोम पे आपको स्विच करना है, जिस भी रीजन पे स्विच करना है, उस रोम के फाइल के पास आपको जाना है। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे रख रखा है या फिर मैं यहाँ वाला, कोई एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं रीनेम करूंगा क्योंकि मुझे 2.0.2 पे स्विच करना है जो कि यूरोप का है और मेरे जो बाय डिफॉल्ट ओएस है वो मेरा ग्लोबल का है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे MI दिखाई दे रहा है और यह है 2.0.102 जिसमें एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है, 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब इसको रीनेम करूंगा, इसका नाम डिलीट करूंगा और जो मेरे पास है उसे मैं पेस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे नाम काफी बड़ा हो जाने के बाद ये पेस्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो सिंपल मैं इस जेड आर्चर का यूज करूंगा, इसलिए मैंने ये पहले कहा था डाउनलोड करने के लिए। तो ये हमारा रहा यूरोप का, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं रीनेम पे जाऊंगा, इसके नाम को डिलीट करूंगा और जो भी मैंने यहाँ पे कॉपी किया था ना वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। किधर गया हमारा पेस्ट वाला ऑप्शन, ये रहा और हमारा नीचे की ओर आ जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे आ गया पूरा सेम टू सेम एग्जिट। अब मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो चुका है। ओके, अब चेंज हो जाने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, इस फाइल को यहाँ से मूव करके लेके जाना है डाउनलोड के फोल्डर में, इस डाउनलोड रोम के पास और पेस्ट कर देना है। कंप्लीट पेस्ट हो जाने के बाद वापस से आपको अपने सेटिंग पे आना है, अपडेटर पर जाना है यहाँ पे और फिर से डाउनलोड पे ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो डाउनलोड स्टार्ट होगा इसे हम डाउनलोड होने देंगे और मैं आपको दिखाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर। अब यहाँ पे दो फाइल बन गई, एक जो मैंने रीनेम करके
रिमूव किया और दूसरा मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। दोनों के बीच में बस डिफरेंट इतना सा है कि ये हमारा -1 है और ये हमारा रीनेम वाला है, यानी एक्चुअली में कौन सा है 2.2 जो कि मैंने सेलेक्ट किया। सेम इसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे सिंपल आपको इसके नाम को कॉपी करना है, लॉन्ग प्रेस करके रीनेम पे जाना है और इसके नाम को वापस से कॉपी कर लेना है जो कि -1 वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। कॉपी कर लिया, यहाँ पे आ जाएंगे, वापस आएंगे जेड आर्चर पे और सेम जो ईए था उसका हमने मेन फाइल कॉपी करके कहाँ रखा है, अलार्म के फोल्डर में। आप चाहो तो इसे एक और कॉपी करके बना लेना, ठीक है, ताकि सेफ्टी के लिए आपके पास एक्स्ट्रा फाइल रहे। अब ये जो 2.2 है इसे भी मैं क्या करूँगा, रीनेम करूँगा यहाँ पे, और जो -1 वाला मेरा नाम था वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। आ गया, अब यहाँ पे मैं जस्ट ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब देख सकते हो जो फाइल मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है सेम वही फाइल का नाम यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेन ओएस है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे इतना कुछ हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना है जो फाइल मैनेजर को ओपन करना है। हमारा कहाँ पे था मेन ओरिजिनल फाइल जो कि जिसपे हमें मूव करना है, वो है अलार्म के अंदर है -1 वाला, इसमें हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे मूव पे आ जाएंगे और अनदर यहाँ पे आपको जो डाउनलोड पे जाना है इसके ऊपर आना है। अब इस जगह पे आपको बस वेट करना है जब तक कि वो डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको मूव करना है, कॉपी नहीं, क्योंकि कॉपी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये राइट का साइन आ गया। अब मैं यहाँ पे बस होल्ड करूंगा, वापस यहाँ पे बैक पे आ जाऊंगा, वापस मैं इस डाउनलोड के ऑप्शन पे आ जाऊंगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा डाउनलोड हो रहा है। अगर ये रुक जाता है तो आप वापस यहाँ से रिज्यूम कर सकते हो या अपने अपडेटर में जाकर चेक कर सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है नहीं, या फिर यहाँ से आप रिज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल जो हमारा डाउनलोड का जो ऑप्शन है ना, इसे हम इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर लेंगे और जो फाइल मैनेजर पे मैंने आधा प्रोसेस करके रोक दिया था ना उसे मैं वापस से ऑन कर लूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसे मैं बस थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे राइट का सीन है, जैसे मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करूंगा मेरा ये जो फाइल है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, जो मैंने अभी रीनेम किया था -1 वाला, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल फाइल है और जो रीनेम वाला है वो यहाँ पे टिक का आया हुआ है। अब इसके डाउनलोड होने का कंप्लीट वेट करेंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसा आपका इंटरनेट स्पीड होगा वैसा आपको टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कंटिन्यू वॉचिंग करते रहना है, ऐसा नहीं हो कि आप डाउनलोड पे लगा के इधर उधर चले जाओ और पता चले कि डाउनलोड होकर अपडेट होने लग गया और ये आपका प्रोसेस यहीं का यहीं रुका पड़ा है, आपने कुछ किया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे देखते रहना है। और ऐसे में आप कहीं जा रहे हो इमरजेंसी में तो सिंपल पॉज कर सकते हो, बाद में वापस आओ और रिज्यूम करो और प्रोसेस को आगे फॉलो कर लेना, लेकिन यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। यहाँ पे देखो बस डाउनलोड होने वाला है, कुछ ही सेकेंड बाकी है, कंप्लीट हो गया ये। जैसे रिमूव होगा मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे बस हटने वाला है और बस हो गया, हट गया। राइट पे क्लिक किया मैंने, राइट पे क्लिक किया नहीं ले रहा है, क्या हो गया भाई, हाँ हो गया। यहाँ पे हम रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, हमारा रिप्लेस हो चुका है। अब आएंगे सीधे डायरेक्ट हम अपने अपडेटर के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे 100% शो कर दिया, हमारा रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक किया होगा या मैंने किया होगा तो एरर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर सब कुछ ओके रहेगा तो यहाँ पे फाइनलाइज आएगा और अपडेटिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा जिसमें 5-10-15 मिनट का टाइम लग सकता है। तो देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट 1% हुआ, यानी हमारा फाइल ले लिया है या फिर स्किप करके ओरिजिनल फाइल ही ये कर रहा है। तो यहाँ पे बस 1% होने की देरी है, कहीं एरर ना दे दे, क्योंकि यहाँ पे बस टाइमिंग का ही सब कुछ मैटर है। हो गया भाई 1%। अब हमें क्या करना है, सिंपल वेट करना है जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होता। लास्ट में एक रिबूट का ऑप्शन आएगा, रिबूट होगा और ऑन होगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या हुआ, क्योंकि अभी जो मेरा वर्जन है वो है 2.0.102, वो अभी मी का MI है जबकि मैंने स्विच किया है 2.0.2 के ऊपर जो कि EEA का मेन फाइल था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ टाइम के बाद फाइनलाइज हो गया और हमारा रिबूट का साइन आ चुका है। बस अब हमें रिबूट करना है और उसके बाद देखना है कि क्या कुछ हमें क्या कैसे देखने को यहाँ पे मिला। तो सिंपल मैंने कर दिया क्लिक और अब वेट करते हैं ऑन होने का, कुछ ही मिनट के अंदर ये ऑन हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। हमारा फ़ोन हो चुका है ऑन और अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ हुआ, जो हम चाह रहे थे वो हमें देखने को मिला या फिर नहीं मिला। तो यहाँ पे आ गए हम अपने सेटिंग के अंदर और यहाँ पे अब हमारा अबाउट और भाई फाइनली यहाँ पे 2.0.202 पे हमारा स्विच कर गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा सेम सिक्योरिटी पैच है 2025.51 का, यानी सेम सिक्योरिटी पैच पे भी ये अपडेट हो गया, लेकिन अगर सिक्योरिटी पैच ओल्डर रहता तो काम नहीं करता, यानी सेम सिक्योरिटी पैच या लेटेस्ट वाला होना चाहिए OT अपडेट के लिए, तब जाके हमारी बात बनती है। अब यहाँ पे आप देखोगे बाकी दस चीज़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा जो कि वर्जन अब EU पे आ गया जो कि हमारा पहले क्या पे था MI के ऊपर था। अगर हम यहाँ पे चेंज लॉग की बात करें तो पहले सिर्फ 2 चेंज लॉग देखने को मिल रहे थे, अब यहाँ पे पूरा 2.2 का चेंज लॉग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से।
तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब मैं यहाँ पे दोबारा डाउनलोड पे भी क्लिक करूँगा ना, तो ये ही हमारा यूरोप का ही फाइल डाउनलोड होगा। अब मुझे बाकी जो फाइल थी, जैसे कि मैंने इंडिया का डाउनलोड कर रखा था, बाकी यहाँ पे रीनेम करके रखा था, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक जो -1 वाला था वो हमारा अपडेट हो गया, फ़ोन में इंस्टॉल हो गया, इसलिए वो ऑटो डिलीट हो चुका है। तो बाकी एक्स्ट्रा फाइलों को आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। और देखा आपने कि कोई डेटा वगैरह भी डिलीट नहीं हुआ, अगर होता तो ये फाइलें ऑटो डिलीट हो जाती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई इस तरीके से आप इजीली एक रीजन से दूसरे रीजन पे स्विच कर सकते हो। चाहे आपके लिए भाई आपका रोम चेंज करना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है, या फिर आपको है जो गूगल डायलर पसंद नहीं है तो MIUI डायलर पर जाने के लिए आप इंडोनेशिया का या ताइवान का डालते हो तो हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अब थोड़े Q&A को देख लेते हैं कि क्या क्या इसके प्रो एंड कॉन्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आप ये प्रोसेस करते हो विदाउट बूट लोडर अनलॉक किए हुए तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम की कि अगर ये प्रोसेस कर लेते हो इसके बाद क्या दिक्कत आती है। पहली कंडीशन तो यहाँ पे है, सख्त मना किए करूँगा मैं कि आपका डिवाइस किसी भी रीजन का क्यों ना हो, आपको इसमें चाइना का सॉफ्टवेयर नहीं डालना है इस रीनेम के ट्रिक से। क्योंकि अगर आप एक बार चाइना का सॉफ्टवेयर डाल लिए तो वहाँ पर जाकर स्टक हो जाओगे, उसके बाद आप किसी भी अदर रीजन पे स्विच नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इंडिया से इंडोनेशिया जाते हो, ताइवान जाते हो, ग्लोबल जाते हो, यूरोप जाते हो, या ग्लोबल यूरोप से किसी भी अदर रीजन पे जाते हो, तो सारी चीज़ आप कर सकते हो इजीली। लेकिन एक बार आपने चाइना का रोम डाल लिया उसके बाद आप ये सेम मेथड फॉलो करके किसी और रीजन पे स्विच नहीं कर पाओगे, इसलिए सख्त मना ही मैं करूँगा। अगर डालते तो फिर दिक्कत आएगी। और अगर आप बूट लोडर अनलॉक के बिना ये प्रोसेस करते हो तो काम तो कर जाता है, लेकिन आपने बाई चांस अदर रीजन पे चले गए जैसे कि चाइना में हो, तो वैसे में आप बूट लोडर को अनलॉक नहीं कर पाओगे और किसी और रीजन पे जा नहीं पाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपको सर्विस सेंटर या फिर लोकल शॉप पे जाना पड़ेगा और वहाँ से अपने रीजन का सॉफ्टवेयर फ्लैश करवाना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। और मैं तो रिकमेंडेड भी नहीं करूँगा कि ये प्रॉब्लम लेके आप सर्विस सेंटर जाओ, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले आपको सर्विस नहीं देंगे। क्योंकि वहाँ पे जैसे ही फ़ोन को कनेक्ट करेंगे वो दिखाएगा कि आपका डिवाइस इंडिया का है ही नहीं, तो कहेंगे भाई सर्विस नहीं दे पाएंगे। और ऐसे में वारंटी वगैरह भी रहेगी तो वॉइड होगी, तो ये काम मत करना गलती से भी, ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर डायलर चाहते हो या अपने फ़ोन का परफॉर्मेंस ख़राब है तो आप उसे चेंज करना चाहते हो दूसरे रीजन पे ताकि आपको परफॉर्मेंस बेटर मिले, तो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको ताइवान, इंडोनेशिया और यूरोप के रोम में देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पे टॉप पे चल रहा है हमारा ताइवान का रोम, उसके बाद सेकेंड पे आपका यूरोप और ग्लोबल का आता है। तीन तीनों में से किसी एक पे आप स्विच कर सकते हो, लेकिन आपको ताइवान और इंडोनेशिया का रोम काफ़ी तक सिमिलर देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको मी का डायलर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ग्लोबल या यूरोप में आपको गूगल का डायलर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना कि अगर आपने डायलर को ठीक करने के चक्कर में गूगल से MIUI के डायलर पर स्विच करने के लिए जा रहे हो, तो आप ताइवान या इंडोनेशिया का ही रोम सेलेक्ट करना, ये आपका बात बनेगा। और हाईली रिकमेंडेड है कि चाइना पे आपको स्विच नहीं करना है, अदरवाइज फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। और मैं रिकमेंडेड करूंगा कि बेटर रहेगा कि आप बूट लोडर को अनलॉक करके ही ये प्रोसेस फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप गलती से भी किसी अदर रीजन पे चले गए और वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप चेंज करना चाहते हो, चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ये लोकल शॉप पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे अनलॉक रहेगा तो आप ये चीज़ें खुद से कर पाओगे, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपका डिवाइस जिस भी रीजन का है, चाहे वो इंडिया का हो, ग्लोबल का हो, यूरोप का हो, इंडोनेशिया, ताइवान या चाइना का हो, जब भी आप ये रीनेम मेथड फॉलो करके किसी डिफरेंट रीजन पे स्विच करोगे तो आपका जो डिवाइस सर्टिफाइड रहता है ना वो फेल हो जाएगा। क्योंकि आपका जो डिवाइस सर्टिफिकेशन है वो आपके रीजन के हिसाब से लिंक्ड रहता है, जिस भी रीजन का सॉफ्टवेयर है उसी रीजन का सॉफ्टवेयर रखोगे तो आपका है जो यहाँ पे डिवाइस सर्टिफिकेशन शो करेगा। बट जैसे आप रीजन चेंज करते हो इंडिया से चाइना, ताइवान, यूरोप, ग्लोबल, तो आपका डिवाइस अनसर्टिफाइड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना और आप देख लेना कि अनसर्टिफिकेशन होने की वजह से आपको क्या क्या दिक्कत आएगी। अगर आप लगते हो कि नहीं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बैंकिंग ऐप तो काम कर ही जाएंगे, बाकी अदर यूज करता नहीं हूं, तो आप चेंज कर सकते हो। अतः ये बात में दिक्कत आएगी और फिर से आपको वापस से आना पड़ेगा अपने डिफॉल्ट रीजन के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है। अदर एक और चीज़ कि अगर आपका डिफरेंट रीजन पे स्विच कर देते हो और वहाँ पे बूट और अनलॉक का ट्राई करने की कोशिश करते हो तो मे बी आपका बूट और अनलॉक नहीं होगा, आपको परमिशन वगैरह नहीं मिलेगी, अनलॉकिंग में दिक्कत आएगी, तो वैसे आपको मे बी फिर से डिफॉल्ट रीजन पे स्विच करना पड़ेगा, तभी आप बूट लोडर अनलॉक कर पाओगे। ये चीज एक बार देख लेना अपना। और एक और बात कि जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो मे बी आपका वन टाइम में काम ना करे, आपको दोबारा ट्राई करना है। और एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि इस प्रोसेस की हेल्प से आप अपने फोन को डाउनग्रेड नहीं कर सकते अब हाइपर ओएस के अंदर। पहले जब हमारा MIUI 12, 11, 10 वगैरह था तो वहाँ पे अपग्रेड और डाउनग्रेड भी होता था रीनेम के मेथड से, बस उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था। अभी थोड़ा डिफरेंट है और इस मेथड से आप सिर्फ उसे अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड नहीं। क्योंकि इस टाइम पे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है अपडेटिंग के टाइम पे ऑनलाइन, कि आप जिस रीजन पे हो उसका जो सिक्योरिटी पैच है और जिस पे स्विच कर रहे हो उसका लेटेस्ट वाला है या नहीं। अगर ओल्डर वाला है तो ये काम ही नहीं करेगा। और ये प्रॉब्लम कई बार आपके सेम सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका डिवाइस इंडिया का है उसमें सिक्योरिटी पैच आपका 1 month का है, और अगर आप किसी और रीजन पे स्विच करना चाहते हो और वहाँ का जो सॉफ्टवेयर है उसका सिक्योरिटी पैच आपको 1 month से पहले का देखने को मिला है, 12 month का, यानी एक ईयर पहले समझ लो,
ठीक है, समझ रहे हो ना, तो वैसे मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, दूसरे रीजन का सिक्योरिटी पैच अगर 2 मंथ का है तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नया सिक्योरिटी पैच और आपका पुराना सिक्योरिटी पैच है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात कि ये पता हम कैसे करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट है या ओल्ड वाला है, तो सिंपल एक साइट मैंने आपको वीडियो में मेंशन कर दिया है, उस पे जाना है। वहाँ पे सारे डिवाइस के हिसाब से आपको हर एक रीजन का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, और जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर आना चालू होता है अपडेट ना, तो हर एक रीजन में थोड़ा आगे पीछे करके आता है। जैसे कि इंडिया में अगर रोल आउट हो रहा है तो चाइना में भी देखने को मिल जाएगा, ग्लोबल में भी, यूरोप में भी, ताइवान वगैरह में भी, लेकिन हाँ टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो जैसे ही आपको इंडिया में अपडेट देखने को मिला आपके फोन के लिए, तो आपको उस अपडेट को नहीं इंस्टॉल करना है, क्योंकि जैसे आप अपडेट करोगे आपका सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट पे आ जाएगा, और फिर दूसरे रीजन का भी अपडेट आएगा तो उसका भी लेटेस्ट आएगा, तो सिमिलर होगा, दिक्कत आएगी। तो आपको वेट करना है, उसको अपडेट नहीं करना है अपने अपडेटर में, और जैसे ही देखते रहना है कि दूसरे रीजन का अपडेट आया नहीं, जैसे ही आता है तो ये प्रोसेस का फॉलो करना है, क्योंकि आपके फोन में पुराना सिक्योरिटी पैच है, आपने ओटी अपडेट नहीं करा है इसलिए, और दूसरे रीजन का अपडेट आ गया तो वहां पे नया सिक्योरिटी पैच ऐड हो गया होगा, तो आपका पुराना और दूसरे वाले का नया मैच करेगा, नए पे स्विच कर जाएगा, इजी तरीके से आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब सेम रहता है तो आपको एरर देखने को मिलेगा, और अगर आप अपडेट कर लियो वापस किसी और रीजन पे स्विच कर रहे हो, आप ऑलरेडी लेटेस्ट पे आ चुके हो, तो आपको फिर 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपके फोन के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आता। अगर आप मान लो कि चाइना पे तो नहीं जाना, यूरोप पे चले गए हो, यूरोप का अगर 2 मंथ का सिक्योरिटी पैच है और आप वापस से इंडिया पे आना चाहते हो या किसी डिफरेंट रीजन में जाना चाहते हो, तो फिर से आपको वेट करना पड़ेगा कि यूरोप और बाकी अदर कंट्री का अपडेट कब आ रहा है। साइट पे जाओ, चेक करते रहो, अपडेट अगर आ जाता है तो आपका 2 मंथ का है, दूसरे का जो अपडेट आया वो 3 मंथ का हो सकता है, तो वैसे में फिर डिफरेंट आया सिक्योरिटी पैच का, नया और पुराना हो गया, तो फिर से आप ये मेथड फॉलो करके चेंज कर पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि इसे क्या प्रो एंड कॉन्स है, तो आप डिसीजन ले लेना और उसके बाद ही ये मेथड को फॉलो करना, अदरवाइज फिर आप वही करोगे कि भाई प्रोसेस फॉलो कर लिया, अब रोते फिर रहे हो, इधर उधर हेल्प मांगते रह रहे हो कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा है, वैसा है, तो अपना सोच समझ के ही करना, उसके बाद फिर जो होगा वो तो आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, और जो मेंटली डिप्रेशन वगैरह आएगा ना प्रॉब्लम आने के बाद, वो बात फ्री में आपके साथ होगी। इसलिए मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई हर एक चीज देखो, समझो, सोचो, विचारो और फिर डिसीजन लो कि आपके काम का है या नहीं। मेरा तो काम है भाई प्रोसेस बता देना, आपका काम है उसे फॉलो करना अगर आपके लिए वो वर्किंग रहता है तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और हाँ लाइक जरूर करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे, और सब्सक्राइब भी कर लेना।